अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के आंदोलनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। यहां से सीएम आवास का घेराव कार्यक्रम था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन से सीएम आवास की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दिया गया। आंदोलनकारी को मोरहाबादी मैदान में बैरिकेडिंग कर सभी को रोक दिया गया। आंदोलनकारी की मांग है कि चिन्हित कर उन्हें सम्मान और पेंशन दी जाए। पर आए हैं कि भारत देश के अंदर में झारखंड भी एक राज्य है। झारखंड कोई हमारा देश से, भारत देश से अलग नहीं है। भारत देश के अंदर एक अधिनियम, भारत सरकार गिरी कारा प्रबंधन अधिनियम 1952 के तहत फ्रीडम फाइटर का चयन हुआ, उत्तराखंड में भी चयन हुआ। फ्रीडम फाइटरों को भी जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, उत्तराखंड में भी जिस तरह सुविधाएं और पेंशन दिया गया, वहां कहीं जेल जाने की बात नहीं हुई। झारखंड में शर्मनाक स्थिति हो गया। कई मुख्यमंत्री शपथ पे शपथ लेते जा रहे हैं और वर्तमान भी मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के कोख से पैदा हुआ मुख्यमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री भी शर्मनाक स्थिति बना रहा है कि आज आंदोलनकारियों को भी सम्मान मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इधर झारखंड आंदोलनकारियों की मांग पत्र को रांची के डीसी छवि रंजन ने मोरहाबादी आकर लिया है। आंदोलनकारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराने की बात कही है। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम, एलआरडीसी, सीटीएसपी और कई अधिकारी मौजूद थे। देखिए, इन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा, और इनकी जो भी मांगे हैं वो आज राज्य सरकार की ओर से मैंने रिसीव किया है, और इनकी सभी मांगों को मैं राज्य सरकार को अवगत कराऊंगा। नहीं, क्योंकि अभी तो मैं अवगत कराऊंगा, उसके बाद जो भी होगा फलाफल आगेगा तय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।